नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। और कैसे हैं आप सभी लोग ये चीज कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, यहाँ पर आज का देखो पहला क्वेश्चन जो है वो नाबार्ड बैंक से शुरू होगा। ठीक है, तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है ये एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने हरियाणा में जल परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो देखो, हरियाणा में जल परियोजनाओं के लिए 772 करोड़ की मंजूरी देने वाली बैंक का नाम है नाबार्ड बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, यहाँ पर बात हुई है नाबार्ड की, तो नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाबार्ड से। सबसे पहले ये समझो कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो बैंक है ये रूरल डेवलपमेंट में और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, जितना भी रूरल एरियाज में डेवलपमेंट का काम होता है पूरा पैसा नाबार्ड रिलीज करता है। और नाबार्ड ऐसे फंक्शन करता है कि नाबार्ड डायरेक्ट किसी पर्सन को पैसा नहीं देता है। अगर आप चाहो कि आपका अकाउंट नाबार्ड में ओपन हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। नाबार्ड क्या करता है, ये जो नाबार्ड होता है ये जितनी भी रूरल बैंक होती हैं, रीजनल रूरल बैंक जिनको बोलते हैं RRBs, ये पैसा देते हैं रीजनल रूरल बैंक को। और रीजनल रूरल बैंक से पैसा पहुंचता है लोगों के पास में, किसान के पास में। तो आप यहाँ पर खाता खोल सकते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली पैसे का डील नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रही बेसिक बात। दूसरी बात कि इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और जब ये स्थापित हुआ था तो मात्र 100 करोड़ रुपए से इसने काम शुरू किया था। ये वाली चीज़ भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। इस समय इसके अध्यक्ष की बात करी जाए तो हर्ष कुमार भानवाला इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में ध्यान से समझना, यहाँ पर हमने IDBI बैंक और SIDBI का नाम भी ले रखा है, तो इन दोनों के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। जैसे IDBI का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से SIDBI का फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों के नाम अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मेरा नाम नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है सौरभ गुप्ता, SAURABH GUPTA। इसके अलावा आप जिन लोगों ने मुझे अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है, वो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखो, दूसरा क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून 500 में भारत की कितनी कंपनियां हैं। तो फॉर्च्यून दिन ब दिन एक नई सूची जारी कर रहा है। जैसे अभी रिसेंट में फॉर्च्यून दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची आई थी, उसके बाद में फॉर्च्यून सेलिब्रिटीज़ की फोटो आई सूची आई थी, अब है फॉर्च्यून 500। तो इसमें भारत की कुल 7 कंपनियाँ हैं, 7 कंपनीज। कौन कौन सी कंपनी आती है इसमें वो भी यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि नंबर 1 पर कौन सी कंपनी आती है। तो देखो, एक ये कंपनी है अमेरिका की वॉलमार्ट, वो नंबर 1 पर आती है। नंबर 2 पर स्टेट ग्रिड चाइना की कंपनी है, और साइनोपेक ये चाइना की कंपनी, ये टॉप 3 में आती है। अब बात होती है कि भारत की कौन कौन सी कंपनी, उससे पहले आप ये बताओ कि ये जो फॉर्च्यून 500 मैगजीन है ये कौन से देश में लॉन्च करी जाती है, किस देश की मैगजीन है। अब देखो, भारत की कंपनी इंडियन ऑयल सबसे अच्छी रैंकिंग के साथ में 137वें स्थान पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 148, ONGC 197, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये 7 कंपनीज हैं जो कि इस लिस्ट में रखी गई हैं। PDF इसका जरूर डाउनलोड कर लेना, सो दैट बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। LIC को सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो देखो, सरकार ने अभी क्या किया है, ध्यान से समझना। एक बैंक है जिसका नाम है IDBI बैंक। ठीक है, आपको भी पता है इंडिया में जितनी भी बैंकें थी सब खराब NPA से गुजर रही हैं। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों का पैसा डूबता जा रहा था, जिसके लिए मोदी सरकार ने योजनाएं चलाई कि बैंकों के पास में पैसा आए, बैंक चलने शुरू हो जाए, तो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस मिली है। इसी के साथ साथ एक IDBI बैंक है
जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, ये भी डूबने के कगार पे है, क्योंकि कुल इसका मतलब जितना भी इंडिया के अंदर एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसका 28% केवल इसी बैंक में। तो इस बैंक को डूबने से बचाने के लिए एलआईसी को इस बैंक को का 51% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो एलआईसी आईडीबीआई बैंक, फिर से समझ लेना, एलआईसी ने आईडीबीआई बैंक के 51% तक की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ठीक है, तो ये दोनों का दिखा देता हूँ लोगो, ये आईडीबीआई बैंक और ये एलआईसी बैंक। और अभी आईडीबीआई का फुल फॉर्म भी बताया था, अगर आपको याद हो तो बिना देखे कमेंट करके बताइए। तो इससे क्या हुआ कि एलआईसी जो है कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि शेयर जारी करेगी या कुछ भी ऐसा काम करेगी जिससे कि वो आईडीबीआई को किसी तरीके से बचा सके। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार कितने सांसदों को दिए हैं? तो देखो, उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार जो है वो 5 सांसदों को दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये 5 सांसद कौन कौन है उनका नाम दिखा देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, दूसरे हैं हुकुम देव नारायण, तीसरे हैं गुलाम नबी आज़ाद, दिनेश त्रिवेदी और भारहर महताब। ये 5 सांसद हैं जिनको अलग अलग वर्ष के लिए उत्कृष्ट संसद का संसदीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट का क्या नाम है? तो विश्व का पहला हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम है रश्मि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मैं रोबोट आपको दिखा देता हूँ, रश्मि रोबोट। इसको किसी कंपनी ने डेवलप नहीं किया है, एक सेल्फ बंदे ने इसको डेवलप किया है, जो इस फोटो में आपको दिख रहे होंगे। इनका नाम है, ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, रांची के रहने वाले हैं। इनका नाम है रंजीत श्रीवास्तव। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला हिंदी बोलने वाला ये रोबोट तैयार किया है। और ये हिंदी बोलने के साथ साथ मराठी भी बोल सकता है, भोजपुरी भी बोल सकता है, अंग्रेजी भी बोल सकता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इसको इन्होंने बनाया है। साथ ही साथ में इनको आइडिया कहाँ से आया ऐसा रोबोट बनाने के लिए? एक रोबोट है आपको अगर याद हो, सोफिया नाम का। ये सोफिया नाम का जो रोबोट है, इसी को देखने के बाद में इनके मन में ये ख्याल आया था। वैसे इसको ह्यूमेनॉइड बोलते हैं एग्जैक्टली। ये जो सोफिया रोबोट है ये किस देश ने बनाया था? इसको बनाया था हांगकांग ने 2016 में। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 1 US ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य वाली पहली यूएस कंपनी बन गई है? तो देखो, 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने वाली सबसे पहली कंपनी है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, एप्पल, जिसका आईफोन आप लोग लेने की इच्छा रखते हैं। तो ये दुनिया की सबसे मतलब अमेरिका की 1 ट्रिलियन वाली पहली मार्केट के वाली पहली कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के रूप में दीपक उप्रेती, फिर से नाम देख लेना, दीपक उप्रेती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूव हैक नामक हैकाथन का शुभारंभ किया गया है? तो देखो, मूव हैक नामक एक हैकाथन है, इसका शुरुआत किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें करना क्या होगा वो मैं आपको आपको बताता हूँ। इसमें इंडिया के अंदर जो भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड सेफ्टी हो गई, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपको एक प्रोटोटाइप बनाना है। और इसका सॉल्यूशन पॉसिबल क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन जो बनाना पड़ेगा आपको वो बताना है। और जो अच्छे से अच्छा प्रोटोटाइप और इसका सॉल्यूशन बनाएगा उसको यहाँ पर इनाम भी दिया जाएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आपका जो हैक मूव नामक शुभारम्भ किया है ये किया है नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखो नीति आयोग के बारे में एक दो चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अलावा नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनका नाम है अमिताभ कांत, और इसके जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनका नाम आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, किस देश में सार्वजनिक स्थलों पर
इस्लामिक नकाब पहनने पर 1 अगस्त 2018 को लागू हो गया है। तो देखो ये प्रतिबंध जो लगा दिया है इस्लामिक नकाब, यानी कि जो महिलाएं बुरका पहनती हैं जिसे बोलते हैं, वो डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में उस पर पहनने पर रोक लगा दी गई है। अब ये डेनमार्क जो कंट्री है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वर्ल्ड का मैप आप इस तरीके से देखोगे तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये अफ्रीका रहा, ये इधर एशिया पार्ट है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ में पड़ता है डेनमार्क। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। डेनमार्क की करेंसी क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड टीम क्रिकेट के इतिहास में कितने टेस्ट मैच खेलने वाली पहली कंपनी बन गई है। तो देखो इंग्लैंड 1000 1000 टेस्ट मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है, और वो 1000वां टेस्ट किसके खिलाफ खेल रही है, वो खेल रही है इंडिया के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया यात्रा की शुरुआत किस प्रदेश में की गई है। राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के न्यायालय ने 3D प्रिंटेड बंदूक के ब्लू प्रिंट को ऑनलाइन जारी करने पर रोक दिया है। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में हुए आम चुनावों में जानू पीएफ ZANU PF पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली हैं। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस गणितज्ञ ने गणित के प्रतिष्ठित फील्ड पदक को जीत लिया है। जल्दी से इनके आंसर आप लोग दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।